हमारा शिव प्रकाश नाम है, पिता का नाम भगवती प्रसाद है और मेरी संपत्ति को छलबल दवा खिला करके दशरथ करा लिया, पैसा सब ले गया, 10 लाख रुपया ले गया और मेरी ससुराल में इसकी माँ को जमीन मिली थी 4 बीघा, वो भी बच्चों को दे दिया, वो भी बेच करके कॉलोनी ले लिया और हमारे बाग गिरवा सब बेच लिया 10 लाख के अलावा। अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया, तब हमको लात मार के घर से मार के निकाल दिया। कौन कौन आपको मारता था? ये संजय शुक्ला उर्फ सुशील कुमार। कौन है आपका? मेरा लड़का बड़ा है सुशील कुमार उर्फ संजय। क्या करता था आपके साथ, कैसा सलूक करता था? हमारे साथ हम जब खाने को मांगते तब भी हमको गाली देता था, दवा कहते थे तो दवा के लिए भी गाली देता, लाता कभी लाता कभी नहीं लाता, दवा भी नहीं लाता था। अब हम बिना दवा के दोनों प्राणी जी नहीं सकते, शुगर की बीमारी है। क्या खाने के लिए देता था आपको? चोकर की रोटी देता था और नमक देता था, खाओ यही। जब कभी रो देते थे तो और गाली देता था। आज कहाँ आया आप, किससे शिकायत करने आए? हम एसपी के साथ एसपी सरकार के पास आए हैं। हमार बड़ा लड़का संजय शुक्ला हमको पढ़ा के हो, हमार मत मार के टिकिया खवा के उनका लईगा और हमार सब दस कर उठा छाप रहा ना उठा लगवा ली ने थी। हमें होश नहीं हुई, पूछे तो कहा कि तो बीमार हैं, एक हमारे करा रहे ना और उठा हमार लगवा के और सारी जमीन हमार 10 लाख के बेच ली ने उन्नाव जिला में और यो तो हम अब 2 महीना 4 महीना साल भरी रोटी दी ने सी। अब यो मारत है गाड़ी दे थे जो दवाई का कही थे, अविनाश खिया थे दवाई आवती है तो यो दवाई नहीं लावत है, मारत ऊपरते है और मेरिया एक गैर चाले की घुन भरे है कि रवा भरे है, वही में वही रोटी पानी की लगाई पने थी पई दे थी कच्ची और जो बार बार चट्टी जाती नहीं कच्ची रोटी खा के तो यो तो कहा थी एक कम खाना दो ये टट्टी करे थी ज्यादा खाने में आप लोगों को क्या मिलता था? यह बता रहे इनकी वही घुन भरे की रवा भरे आटा में जलमन का आटा वही की रोटी दे रहा है, वही में चूनी चुकरा चालती ना रहा है ऐसे बना देती पानी लगा के। ये एक नौबस्ता थाना क्षेत्र का एक मामला आज संज्ञान में आया है जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति जो है उनकी शिकायत है अपने बेटे और पुत्रवधू के खिलाफ कि उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, तो इसमें जांच के लिए आदेश कर दिए गए हैं और तत्काल जल्द से जल्द इसमें जो भी नेसेसरी विधिक कार्रवाई है वो की जाए।